दर्शकों को स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिनभर की खास खबर। लोकसभा चुनाव हेतु चार पहिया वाहनों का हुआ अधिग्रहण, तहसील कार्यालय में खड़े हैं वाहन, 7 मई को होना है चुनाव। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के चलते जिला निर्वाचन विभाग द्वारा जाफरखेड़ी स्थित शासकीय विद्यालय में भेजी गई ट्रकों के माध्यम से चुनावी सामग्री। कलेक्टर व एसपी ने जनता से की अपील, लोकसभा चुनाव के दौरान 7 मई को अपने मत का अवश्य करें उपयोग। विस्तार से 5 अप्रैल को आईटीसी चौपाल सागर के सभाकक्ष में आनंद विभाग द्वारा मास्टर ट्रेनर संजय श्रीवास्तव द्वारा रज्जानंद संस्थान का परिचय दिया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी नागरिकों को लोकसभा चुनाव के चलते मतदान की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में साक्षरता समन्वयक शरद शर्मा, नवीन रघुवंशी एवं रेणु उपाध्याय विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। रितेश व्यास और पवन शर्मा ने आभार व्यक्त किया। अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्य रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 7 मई को लोकसभा चुनाव हेतु जिला प्रशासन ने 4 पहिया वाहनों का अधिग्रहण कर लिया है। 100 से अधिक 4 पहिया वाहन तहसील कार्यालय में खड़े थे, जिन्हें अलग अलग सेक्टरों पर भेजा जाएगा। लोकसभा निर्वाचन 2024 के अधिकारियों के घूमने के लिए यह रामस्वरूप चौकसी जी, क्या कार्य करते हैं आप? गाड़ी चलाते हैं। आज जी यहाँ पर परिसर में बड़ी संख्या में गाड़ी खड़ी, क्या बात है? ये कलेक्टर के आदेश से लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए अधिग्रहण है सब वाहन। लगभग कितने वाहन अधिग्रहण किए? 40-50 होंगे लगभग। कब तक के लिए अधिग्रहण किए गए? आज दिनांक 4 से 7 तक। 7 अप्रैल तक। तो इसका क्या भुगतान किया जाएगा आपको? 2000 रुपये पर डे का रेट बता रहे हैं, 10 के एवरेज से। ये जो क्या कार्य करते हैं आप? ड्राइवर है। तो यहाँ पर जो गाड़ी खड़ी है, अधिग्रहण करी है, किसने की है और क्यों की है? ये साहब आरटीओ साहब ने अधिग्रहण की है और ये निर्वाचन के लिए बताया गया है हम लोगों को कि निर्वाचन में गाड़ियाँ लगेंगी, इसलिए इन्होंने जो है कि गाड़ी अधिग्रहण की हुई है और यहाँ पे परिसर में गाड़ी खड़ी करवा के सब लोगों को जो है कि सेक्टर वाइज सेक्टर दिया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां जिला निर्वाचन विभाग द्वारा कर ली गई है। 7 मई को मतदान केंद्रों पर होने वाले चुनाव हेतु जिला मुख्यालय से चुनाव सामग्री ट्रक के माध्यम से जाफरखेड़ी स्थित शासकीय महाविद्यालय पहुंचाने का कार्य किया गया। बोलते हैं।
मेरा मुल्लू मालवी। मुल्लू मालवी जी, ये जो पेटी है कहाँ ले आ रहे हैं आप? जाफर काय के लिए ले आ रहे हैं? चुनाव की तैयारी को लेकर जाफर। विदिशा नगरीय क्षेत्र में करीब 139 मतदान केंद्रों की जिम्मेदारी नगरपालिका को मिली है, जहां नगरपालिका सीएमओ द्वारा मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। हट एक मिनट। नगर पालिका मतदान केंद्र यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था को देखा जा रहा है, क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी और कितने विदिशा नगर पालिका के अंतर्गत है? सर पूरे जो है विदिशा नगरी क्षेत्र में 139 मतदान केंद्र हैं। इनमें दो तरह की व्यवस्थाएं नगर पालिका को दी गई है। एक तो जो पोलिंग पार्टी आएगी उनके ठहरने वगैरह की व्यवस्था में करनी है, उनके भोजन की व्यवस्था करनी है। दूसरा मतदाताओं के लिए टेंट लगाना, छांव की व्यवस्था, उनके पानी की व्यवस्था, कुल मिलाकर जो हमारी बेसिक ज़रूरतें वाले काम हैं वो सब नगर पालिका को दिए गए। लोकसभा चुनाव हेतु 100% मतदान के लिए कलेक्टर उद्देश कुमार वैद्य व एसपी दीपक कुमार शुक्ला द्वारा आम जनता से मतदान की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि अपने मत का उपयोग अवश्य करें। चुनाव का पर्व देश का गर्व। मेरी विदिशा जिले के सभी मतदाता बंधुओं से अपील है कि आने वाली 7 मई को लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए सभी लोग अपना मतदान करना सुनिश्चित करें। विदिशा जिले में सभी मतदान केंद्रों पर बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए अच्छा परिवेश निर्मित किया गया है। मेरी पुनः सभी से अपील है कि वे स्वयं मतदान करें, अपने आस पड़ोस के लोग, अपने परिवारजन, मित्र सभी को प्रेरित करें कि वे जाकर मतदान केंद्रों पर अपना मतदान करें और विदिशा जिले में प्रदेश का सर्वाधिक मतदान सुनिश्चित करें। जय हिंद। मतदाताओं से अपील करने के लिए देखिए, जैसा आप सब जानते हैं कि 7 मई को हमारे यहाँ लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए मतदान होना है और जिस हेतु सारी व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की गई हैं, सारी तैयारियां की गई हैं कि निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, निर्विवाद निर्वाचन हो सके, मतदान हो सके। आम जन से सभी से आग्रह है कि कृपया लोकतंत्र के महापर्व जिसका आयोजन 7 तारीख को हमारे यहाँ है उसमें सहभागी बने, अधिक से अधिक बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और एक सशक्त मजबूत सरकार का निर्माण करने में अपनी जो आपका न सिर्फ अधिकार है बल्कि कर्तव्य भी है उसका निर्वहन करें। लोकसभा चुनाव हेतु मतदान 7 मई को होना है। चुनाव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां कर ली गई हैं। आम जनता से 3 दिन के लिए अपील भी की गई है। बताया गया है कि शहर के सभी पार्क व उद्यान बंद रहेंगे। कर्मचारियों की ड्यूटी चुनाव में लगी है। आनीम चौराहा निवासी एक माँ अपनी बेटी की तलाश में पिछले 7 माह से परेशान हो रही है। पीड़िता ने बताया कि विशाल अहरवार फतेहखेड़ी निवासी उसकी नाबालिग बेटी को भगा ले गया है। उसकी बेटी की तस्वीर लेकर वह न्याय मांगने दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। विदिशा माधवगंज से शिवालय के सामने पूर्व मुख्यमंत्री से मिलने इंतजार में रही। Thank you.
भी ना करें हो रही। बेटी का नाम क्या है? राशिदाकर। क्या हुआ इनके साथ? मैंने नाम लेके दर्ज करवाई रिपोर्ट, फिर भी नहीं मिल रहा है। क्या हुआ है? बेटी को फोटो क्या कौन ले गया, क्या हुआ? घर मकान के पीछे एक मकान है, हरिजन को भी लेके गए, पूरी फैमिली लेके गई मेरी लड़की। ये क्या नाम है उसका? राशिदाकर है मेरी लड़की। नहीं, वो ले गए मोहन सिंह एक बार। कब लेगा, कितने महीने होगा? आज 7 महीने लग गए। 7 महीने से भटक रही है। हाँ, मैं ऐसी फिर रही हूँ, कोई नहीं सुनवाई हो रही मेरे। ठाकर मैडम है आपके पास आई है, सूचना इनकी क्या मदद कर रही है और क्या पूरी घटना है? देखिए क्या है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना और लाडली बेटी बचाओ का अभियान चल रहा है। उस बेटी बचाओ अभियान में ऐसी नाबालिग बच्चियों का अपहरण किए जा रहे हैं, गायब की जा रही हैं, जिनकी तलाश के लिए लगातार जो है लोग भटक रहे हैं। ये 7 माह पुराना मामला है। जो हमारी जो एक बेटिया जो विदिशा के BTC कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा थी 16 साल की, वो वहाँ से अचानक लापता होती है और बराबर थाने में रिपोर्ट दर्ज की जाती है। 7 महीने से पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, ASP आपस के चक्कर लगा रही हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने शिवसेना से सहायता मांगी है और शिवसेना के द्वारा आज एक DSP शाखा विदिशा में एक आवेदन दे दिया ASP साहब के नाम से कि इस बच्ची की तलाश की जाए। नहीं होती तलाश तो अगला कदम क्या होगा आपका? इसमें हमने उल्लेख कर दिया है कि आचार संहिता समाप्ति होने से पहले अगर बच्ची का पता नहीं लगाया गया तो निश्चित तौर पर शिवसेना यहाँ पर क्रमबद्ध आंदोलन चालू करेगी। वो मध्य प्रदेश से जितनी बच्चियाँ लापता हुई हैं जो मानव तस्करी का शिकार हो। आज संत शिरोमणि जैन महाराज की 724वीं जयंती है। समाज बंधुओं द्वारा गुलाब बाटिका स्थित उनकी प्रतिमा पर पहुंचकर माल्यार्पण किया गया। समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि संत शिरोमणि महाराज ने समाज को नया मार्ग दिखाया था, सामाजिक रूप से धर्म की राह दिखाई थी। वहीं समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि वह 7 मई को होने वाले मतदान में जैन समाज के साथ साथ सभी समाज बंधु और आम लोगों से ज़्यादा संख्या में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। संत शिरोमणि जैन जी महाराज की जय। जैन जी महाराज की जय। महाराज की जय। तो आरती आज महाराज की जय। महाराज की जय। और जनवास धाम निवास है जैन समाज के प्रदेश महासचिव बताए कुछ सभी देशवासियों को सैन जी महाराज के जन्मोत्सव की हार्दिक हार्दिक बधाई शुभकामनाएं और सैन जी महाराज सबके जीवन में खुशहाली और समृद्धि और शांति स्वास्थ्य ले का हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसी सभी को शुभकामनाएं और 7 मई को सभी लोग मतदान करने अवश्य जाएं। मतदान हमारा अधिकार है, अपना मतदान करके एक सशक्त सरकार का निर्माण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मैं ओम प्रकाश सैन। सभी सैन बंधुओं ने मिलकर सैन जी महाराज की जयंती मनाई है 724वीं। सभी सैन बंधु ने प्रेम भाव से मिलने का भी संकल्प लिया है, एक दूसरे प्रेम भाव मिलेंगे और एक साथ रहेंगे, एक साथ काम करेंगे। मेरा नाम राधेश्याम सैन। क्या कार्यक्रम आज है? आज हमारे आराध्य श्री संत शिरोमणि सैन जी महाराज का जन्म महोत्सव है, तो इस अवसर पर हम समस्त सैन समाज विदिशा के लोगों ने संत शिरोमणि सैन जी महाराज के यहाँ माल्यार्पण कर सभी एक दूसरे को बधाइयाँ दी। आज हमारे आराध्य देव की 724वीं जयंती है, इस उपलक्ष्य में सभी लोग एकत्र हुए एवं एक दूसरे को बधाइयाँ दी, महाराज जी के चरणों में पुष्प अर्पित किए, माल्यार्पण की और श्रृंगार किया सैन जी महाराज का। और हम सब ने एक दूसरे को बधाई देते हुए कामना की कि संत शिरोमणि सैन जी महाराज सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना रखें, सब में प्रेम सद्भावना बनी रहे, सब खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, ऐसी हमने सैन जी महाराज से कामना की। मैं कृष्णा लाहौरी। संत शिरोमणि श्री सैन जी महाराज के श्री चरणों में आज सभी समाज के लोगों ने यहाँ पे माल्य पुष्प अर्पण कर बधाइयाँ दी हैं और आज हमारे आराध्य देव श्री संत शिरोमणि सैन जी महाराज की 724वीं जयंती है। सभी लोगों ने मिलकर आज ये संकल्प लिया है कि हम सभी लोग साथ मिलकर सैन समाज का विकास करेंगे और सैन समाज को एकत्रित करके आगे और भी कई बड़े बड़े कार्य करेंगे। जय संत शिरोमणि सैन जी महाराज की जय। आज की खबरों को देते हैं पर विराम, आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज़। नमस्कार।